Hello everyone, this is Sarthak Sharma. Welcome to Digimento. This is our lecture series on monthly current affairs, and this particular video is the part 3 of our September 2018 current affairs. So we have already discussed first 60 questions in part 1 and part 2. So if you have not watched those parts, first you should watch part 1 and part 2, and then you should come to part 3. So let's begin this lecture. Our first question for today is question number 61, and it says that External Affairs Minister Sushma Swaraj and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the website for the 15th Pravasi Bharatiya Divas 2019 that will be held in Varanasi. So what is the theme for Pravasi Bharatiya Divas 2019? तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में वाराणसी में होगा, उसी के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने वेबसाइट को इनॉग्रेट किया है. आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 15वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या होगी, एंड योर ऑप्शंस आर ए रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, बी इंडियन डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, सी इंडियाज ग्रोथ एंड सपोर्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा, और डी इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन कल्चर. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, दैट इज रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया. दिस विल बी द थीम फॉर 15th प्रवासी भारतीय दिवस विच विल बी ऑर्गेनाइज इन वाराणसी. यू हैव टू लर्न दिस फैक्ट हेयर ऑल्सो दैट 15th प्रवासी भारतीय दिवस इन 2019 विल बी हेल्ड इन वाराणसी, एंड इट्स थीम विल बी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया. और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं. एवरी ईयर ऑन 9th जनवरी वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस टू कमेमोरेट द महात्मा गांधीज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 में, और उसी को कमेमोरेट करने के लिए हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को. बट इन 2019 द डेट्स हैव बीन शिफ्टेड टू 21 to 23 जनवरी, बिकॉज कुंभ मेला है उस समय पर, और इस वजह से ये डेट्स शिफ्ट करनी पड़ी है. तो 21 to 23 जनवरी इन 2019 वी विल बी सेलिब्रेटिंग प्रवासी भारतीय दिवस इन वाराणसी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62 इज नेम इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड हैंडेड ओवर टू द नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी दैट इज एनपोल of DRDO that is Defense Research and Development Organization. तो आपको भारत की पहली अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन का नाम बताना है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है और DRDO के एनपोल आर्म को सौंपा गया है. उस अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन का आपको नाम बताना है, एंड योर ऑप्शंस आर ए आयरोव ट्यूना, बी मरीन आई, सी सी वॉच, और डी वाटर स्पाई. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, दैट इज आयरोव ट्यूना. आयरोव ट्यूना इज द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन. तो ये ड्रोन है जो पानी के नीचे चल सकता है, और इसे बनाया है आयरोव टेक्नोलॉजीज ने. आईरोव में आर ओ वी की फुल फॉर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. आर ओ वी स्टैंड्स फॉर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल. तो ड्रोन को जैसे आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो दिस ड्रोन विल बी अ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, और इसे आईरोव टेक्नोलॉजीज ने बनाया है, एंड दिस हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी ऑफ DRDO फॉर रिसर्च पर्पजेज. एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 63 नाउ. क्वेश्चन नंबर 63 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन द लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP ऑन 14th September 2018. तो 14 सितंबर 2018 को UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग निकाली है, HDI इंडेक्स जिसे कहते हैं. तो आपको बताना है कि उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, एंड योर ऑप्शंस आर ए 142,
B110, C130 or D150. So friends, the correct answer here is C, that is 130. India ki HDI rank 2018 mein 130 aayi hai, last year it was 131. So India ne one rank ka improvement kiya hai HDI rankings mein. And friends, यहाँ पर ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि किस बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग्स निकालता है. देयर आर थ्री इंडिकेटर्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग एंड दीज थ्री इंडिकेटर्स, द फर्स्ट वन ऑफ देम इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द सेकेंड वन इज एजुकेशन एंड द थर्ड वन इज पर कैपिटा इनकम, दैट इज PCI. तो ये तीन इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग्स निकाली जाती हैं इन्हें जज करके. और इंडिया की रैंकिंग 2018 में 130 आई है आउट ऑफ 189 कंट्रीज. देर इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ वन रैंक. एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 64 इज नेम द ऐप डेवलप्ड बाय ई कॉमर्स कंपनी डेस्टा ग्लोबल दैट हैज ब्रॉट ओवर 40,000 फार्मर्स एंड बायर्स अंडर वन रूफ. डेस्टा ग्लोबल नाम की एक ई कॉमर्स कंपनी ने एक नया ऐप डेवलप किया है जिसने 40,000 किसानों को जोड़ने का काम किया है. आपको उस ऐप का नाम बताना है एंड योर ऑप्शंस आर ए किसान, बी मैत्री, सी सिद्धि और डी भूमि. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज सी सिद्धि. दिस इज द नेम ऑफ द ऐप विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ई कॉमर्स कंपनी डेस्टा ग्लोबल. डेस्टा ग्लोबल कंपनी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है. सो दिस इज अ मुंबई बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी एंड इट हैज़ डेवलप्ड दिस ऐप नेम्ड सिद्धि. और इस ऐप के जरिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने की एक कोशिश है एंड दिस हैज़ ब्रॉट ओवर 40,000 फार्मर्स अंडर वन रूफ सो फार. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 इज सरदार सिंह फॉर्मर इंडियन कैप्टन हैज अनाउंस्ड हिज इंटरनेशनल रिटायरमेंट फ्रॉम विच गेम. तो सरदार सिंह भारत के पूर्व कप्तान हैं. आपको बताना है वो किस खेल में भारत की कप्तानी कर चुके हैं जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है. एंड योर ऑप्शंस आर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी बास्केटबॉल. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज हॉकी. तो एशियन गेम्स में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया. दे फेल्ड टू डिफेंड देयर टाइटल और इस परफॉर्मेंस के बाद ही जो सरदार सिंह है इंडिया के कैप्टन रहे एशियन गेम्स में हॉकी में, तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है. एंड फ्रेंड्स, here are some courses which we have created for you and these include GATE, CSE IT and UGC NET and placement preparation and competitive programming. And there are some new courses for DSSSB and KVS PGT TGT teacher as well as LT grade teacher recruitment. So we are covering all the technical examinations which occur throughout the year. And if you want to take our courses, then you can call us on the given contact number, that is 9821876104, and you can use 02 in place of 04, or you can contact us at the given email ID, that is admin@gatelectures.com, and you can access all this information on our official website, that is www.digimento.com. So friends, these are all comprehensive courses having the full coverage of the syllabus and they will definitely help you to prepare and score better in your examinations. And let's move on to next question. Question number 66 is name India's first ocean surveillance and missile tracking ship which undertook its first sea trial in the first week of October 2018. तो भारत के पहले ocean surveillance और missile tracking ship का हाल ही में पहला sea trial किया गया है. तो आपको उस ship का नाम बताना है and your options are A VC 11184, B INS G456,
CBC6788 or DUI7890. So friends, the correct answer here is A, that is VC11184. This is the code name for India's first ocean surveillance and missile tracking ship. This has been indigenously developed by Hindustan Shipyards Limited, HSL ne is ship ko banaya hai, and it has a capability of tracking even the nuclear missiles as well. To पहला ओशन सर्विलेंस और मिसाइल ट्रैकिंग शिप है ये भारत का, और इसे अराउंड ₹750 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया गया है। ये इस प्रोजेक्ट की लागत थी और इसे जल्द ही इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 67। Question number 67 is, Union Cabinet has approved new umbrella scheme with the name of PM Asha, which aims to ensure remunerative prices to farmers for their produce, as announced in the Union Budget for 2018. Expand PM Asha. So friends, यूनियन कैबिनेट ने, भारतीय सरकार ने पीएम आशा नाम की एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसे यूनियन बजट 2018 में अनाउंस कर दिया गया था पहले ही। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, एंड योर ऑप्शंस आर ए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, बी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय समृद्धि अभियान, सी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुभिक्षा अभियान, और डी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PM Asha स्कीम, विच वॉज अनाउंसड इन यूनियन बजट 2018, और अब जो है इसे लॉन्च कर दिया गया है। सो दिस विल बी एन अम्ब्रेला स्कीम, और जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं लाइक MSP, जिसमें कुछ क्रॉप्स में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, वो सब भी PM Asha के अंडर सब्ज्यूम कर दिए जाएंगे, और फार्मर्स को और भी जो क्रॉप्स हैं जो पहले से MSP में इंक्लूडेड नहीं हैं, उनके लिए भी रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, उनकी फसल के लिए अच्छे दाम उन्हें दिए जाएंगे। तो ये इस स्कीम का मोटिव है। पीएम आशा फुल फॉर्म यहां पर लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ HDFC लाइफ फॉर 3 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 12th September 2018। तो HDFC लाइफ कंपनी की नई मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अपॉइंट की गई है, उनका आपको नाम बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर ए रम्या परमेश्वर, बी श्रीकांत पार्थ सारथी, सी मनदीप सिंह, और डी विभा पदलकर। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, दैट इज विभा पदलकर। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ HDFC लाइफ, एंड दिस इज अ स्ट्रेट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स ओनली। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 69। सो क्वेश्चन नंबर 69 इज, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक दैट इज IPPB हैज टाइड अप विद विच पेमेंट्स टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सॉल्यूशंस टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्पेशली रूरल हाउसहोल्ड्स, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस विच इज SME एंड वुमेन। तो IPPB ने हाल ही में किस पेमेंट्स कंपनी के साथ टाई अप किया है बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, जिसमें खास करके रूरल हाउसहोल्ड, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज और वुमेन इंक्लूडेड होंगे। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसके साथ IPPB ने टाई अप किया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए PayPal, बी PayTM, सी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, और डी सिट्रस पे। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, दैट इज FSS। इस कंपनी के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने एक टाई अप किया है, तो इनके द्वारा एक सॉल्यूशन, बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके द्वारा IPPB खास करके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड कर पाएंगे, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी खास करके रूरल हाउसहोल्ड, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज और वुमेन को ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70।
Question number 70 is, where was the ASEAN World Economic Forum held from 11th to 13th September 2018? तो हाल ही में ASEAN का World Economic Forum ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको बताना है कि उसका वेन्यू क्या था. एंड योर ऑप्शंस आर ए मनीला फिलीपींस, बी जकार्ता इंडोनेशिया, सी बैंकॉक थाईलैंड और डी हनोई वियतनाम. So friends, the correct answer here is D, that is Hanoi, Vietnam. In Hanoi, Vietnam, this ASEAN World Economic Forum was organized, and around 43 countries से delegates आए जिन्होंने इस World Economic Forum में participate किया. And friends, here the full form of ASEAN is also important. The full form of ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. तो Southeast Asia के around 10 ऐसी countries हैं जो ASEAN के members हैं. They are the member countries of ASEAN, and they every year they organize this World Economic Forum. And this year in 2018, this was organized in Hanoi, Vietnam. And you should know that Hanoi is the capital city of Vietnam, and currency of Vietnamese dong. Let's move on to question number 71 now. So question number 17 is, HIV AIDS Prevention and Control Act 2017 has been implemented from September 10, 2018. This act punishes propagation of hatred against the protected person with a minimum jail term of 3 months to a maximum of 2 years and can be fined up to how much rupees. So you have to tell what is the maximum amount of fine under HIV AIDS Prevention and Control Act 2017. HIV AIDS Prevention and Control Act 2017 ko 10 सितंबर 2018 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसमें मिनिमम 3 महीने से मैक्सिमम 2 साल तक की जेल होगी अगर हेटरेड का केस होगा एचआईवी पॉजिटिव लोगों के अगेंस्ट. तो आपको बताना है कि इस लॉ के अंदर मैक्सिमम फाइन कितना, जुर्माना कितना दिया जा सकता है. एंड योर ऑप्शंस आर ए रुपीज 2 लाख, बी रुपीज 1 लाख, सी रुपीज 3 लाख और डी रुपीज 5 लाख. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज रुपीज 1 लाख. दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन विच कैन बी चार्ज्ड ऑन पीपल हु प्रोपगेट हेट्रेड अगेंस्ट protected person under the HIV AIDS Prevention and Control Act 2017. Let's move on to question number 72. So question number 72 is, name the triple jumper who became the first Indian to win a medal at the IAAF Continental Cup by winning bronze medal at Ostrava, Czech Republic on 9th September 2018. तो भारत के पहले ऐसे ट्रिपल जंपर का नाम बताइए जो पहले भारतीय बन गए हैं IAAF कॉन्टिनेंटल कप में कोई भी मेडल जीतने वाले. उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ये टूर्नामेंट ओस्ट्रावा चेक रिपब्लिक में हुआ है. तो आपको उस भारतीय ट्रिपल जंपर का नाम बताना है. एंड योर ऑप्शंस आर ए अरपिंदर सिंह, बी नीरज चोपड़ा, सी विजेंद्र सिंह और डी मनवीर सिंह. So friends, the correct answer here is A, that is Arpinder Singh. He has become the first Indian to win a medal at the IAAF Continental Cup, and he has won a bronze medal, and he was representing the Asia Pacific team in this Continental Cup. And here the full form of IAAF is important. The full form of IAAF is International Association of Athletics Federation, who organized this Continental Cup in Ostrava, Czech Republic. Let's move on to next question. Question number 73 is, name the new swimming pool type research reactor that became operational at Bhabha Atomic Research Center, that is BARC, in Trombe, Maharashtra on 10th September 2018. So 10 September 2018 ko ek naya swimming pool type research reactor operational ho gaya hai BARC, Bhabha Atomic Research Center में, जो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है. तो आपको उस रिसर्च रिएक्टर का नाम बताना है. एंड योर ऑप्शंस आर ए अप्सरा यू, दैट इज अपग्रेडेड रिएक्टर, बी ब्रह्मा 2 रिएक्टर, सी ऋषि 4 रिएक्टर और डी शक्ति 5 रिएक्टर. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज
A, that is Apsara U or Apsara upgraded reactor. You should know that Apsara was a nuclear reactor, a research reactor. This was the first reactor of Asia which became operational in Bark in Trombe, Maharashtra in August 1956. तो 1956 में अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर था जो बार्क ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में सेटअप किया गया था. 2009 में इसे बंद कर दिया गया था और रिसेंटली इसे फिर से शुरू किया गया है विद द नेम ऑफ अप्सरा अपग्रेडेड रिएक्टर एंड दिस बिकेम ऑपरेशनल एट बार्क इन ट्रॉम्बे महाराष्ट्र. तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड फ्रेंड्स, स्विमिंग पूल type research reactor means the core of this nuclear reactor is submerged in a pool, so they have given this name swimming pool reactor to this type of reactor. Let's move on to next question. Question number 74 is, where did the 5-day Vostok 2018 military exercise including contingents from China and Mongolia start on 11 September 2018? तो 5 दिवसीय वोस्तोक 2018 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें चाइना और मंगोलिया की कंटिंजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया. आपको बताना है कि ये किस देश में ऑर्गेनाइज की गई थी ये मिलिट्री एक्सरसाइज वोस्तोक 2018. एंड ऑप्शंस आर ए जापान, बी रशिया, सी जर्मनी और डी फ्रांस. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज रशिया. दिस 5-डे वोस्तोक 2018 वॉज अ मिलिट्री exercise which was organized in Russia and contingents from China and Mongolia also participated in this military exercise. And this is said that this was the biggest, largest military exercise in 4 decades. 1981 के बाद ये पहली सबसे इतनी बड़े large scale पर military exercise organize की गई. There were around 3 lakh troops who participated in this military exercise. Let's move on to question number 75. Question number 75 is, where did the 12-day long 13th Indo-Mongolia annual bilateral joint exercise Nomadic Elephant 2018 was conducted? Indo-Mongolia annual bilateral joint एक्सरसाइज है जिसका नाम नोमेडिक एलिफेंट है. तो 2018 में ये कहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, उस जगह का आपको नाम बताना है. एंड योर ऑप्शंस आर ए पुणे इंडिया, बी पिथौरागढ़ इंडिया, सी उलान बतार मंगोलिया और डी दरखान इन मंगोलिया. So the correct answer here is C, that is Ulaanbaatar in Mongolia. So this nomadic elephant is an annual bilateral joint military exercise between India and Mongolia. ये एक annual exercise है जो हर साल की जाती है India और Mongolia के बीच में to strengthen their military power, their armed forces. और 2018 में ये Ulaanbaatar Mongolia में organize की गई थी, conduct की गई थी. And the main aim of this nomadic elephant 2018 exercise was counter insurgency and counter terrorism. And friends, यहाँ पर आपको मंगोलिया की कैपिटल पता होनी चाहिए. उलन बटार इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया एंड द करेंसी ऑफ मंगोलिया इज मंगोलियन टोग्रोग. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 76 इज, वेयर वॉज द 150 ईयर ओल्ड मरबत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 11 सितंबर 2018? 11 सितंबर 2018 को किस जगह पर 150 साल पुराना मरबत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, उस जगह का आपको नाम बताना है. एंड योर ऑप्शंस आर ए नागपुर इन महाराष्ट्र, बी कोझिकोडे इन केरला, सी कोलकाता इन वेस्ट बंगाल और डी शिमला इन हिमाचल प्रदेश. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज A, that is Nagpur, Maharashtra. This is a Nagpur specific festival. तो मरबत फेस्टिवल सिर्फ नागपुर में ही मनाया जाता है. This is a 150 year old tradition. इसमें effigies burn की जाती हैं of evil forces who are named मरबत. तो उनकी effigies को burn किया जाता है इस festival में और ये सिर्फ नागपुर में ही बनाया जाता है. और इस साल 11 सितंबर को ये मनाया गया है. And let's move on to question number 77.
Question number 77 is External Affairs Ministry of India has signed an agreement with Telecommunications Consultants India Limited, that is TCIL, to launch a new digital bridge between India and which continent through E Vidya Bharati and E Arogya Bharati network project. तो भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने TCIL के साथ एक एग्रीमेंट करके ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नाम के दो नेटवर्क प्रोजेक्ट भारत और दूसरे किस कॉन्टिनेंट के बीच में ये दो प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं उस कॉन्टिनेंट का आपको नाम बताना है एंड योर ऑप्शंस आर ए अफ्रीका बी ऑस्ट्रेलिया सी यूरोप और डी साउथ अमेरिका सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज ए दैट इज अफ्रीका दीज टू सर्विसेज दैट इज ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट दीज टू सर्विसेज आर टू बी लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका सो दिस विल बी अ पैन अफ्रीका नेटवर्क प्रोजेक्ट इंडिया और अफ्रीका के बीच में ये दो सर्विसेज शुरू की जाएंगी एंड देयर एम इज़ टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशन फील्ड थ्रू ई विद्या भारती प्रोजेक्ट एंड टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग इन हेल्थ सर्विसेज थ्रू ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 78 is name the web portal that has been launched by Minister of Railways and Coal. His name is Mr. Piyush Goyal to enable corporate and PSUs contribute to upgradation through corporate social responsibility funds. तो एक नया web portal लॉन्च किया है Minister of Railways and Coal पीयूष गोयल ने तो उस वेब पोर्टल का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा जो कॉरपोरेट्स हैं और पीएसयूज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रेलवेज़ में अपने सीएसआर फंड्स के थ्रू उस ऐप का उस वेब पोर्टल का आपको नाम बताना है एंड योर ऑप्शंस आर ए रेल संस्कारी बी रेल सहयोग सी रेल फंड और डी रेल प्रोमो सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज बी दैट इज रेल सहयोग दिस इज अ न्यू वेब पोर्टल विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिस्टर पीयूष गोयल एंड दिस विल इनेबल द कॉरपोरेट्स एंड पीएसयूज टू कंट्रीब्यूट इन द अपग्रेडेशन ऑफ रेलवेज रेलवेज के लिए जितने भी वो फंड्स अपने सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स में से देना चाहते हैं जैसे आपको पता होगा 2% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ बिग कंपनीज वो उनको कंपल्सरिली सोशल सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना होता है तो इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में से वो अगर रेलवे में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो रेल सहयोग वेब पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स ये नाम भी आपको याद होना चाहिए द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कोल्स इन इंडिया इज मिस्टर पीयूष गोयल एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर 79 इज वेयर वॉज द सेकेंड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन WHF held on 9th September 2018 तो दूसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2018 ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा आपको बताना है कि इसका वेन्यू कहाँ था कहाँ ये ऑर्गेनाइज किया गया एंड योर ऑप्शंस आर ए इलिनॉइस इन शिकागो USA बी न्यू दिल्ली इंडिया सी वॉशिंगटन DC इन USA और डी वैनकूवर इन कैनेडा सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज A, that is Illinois in Chicago in United States of America. यहाँ पर Second World Hindu Congress 2018 organize किया गया है by the World Hindu Foundation, that is WHF, and this has been organized on the occasion of 125th anniversary of Swami Vivekananda's historic speech. At the Parliament of the World's Religion in 1893 में Parliament of World Religion में एक बहुत ही famous speech दी थी स्वामी विवेकानंद ने उसके 125 साल पूरे होने पर उस occasion पर ये World Hindu Congress Illinois Chicago USA में organize की गई है and friends इसकी theme भी आपको पता होनी important है the theme of World Hindu Congress 2018 was Sumantrite Suvikrante
and in English it will be called think collectively, achieve valiantly. Let's move on to next question now. Question number 80 is, who won the men's singles title at the US Open, that is tennis US Open 2018, that was held in New York City, United States of America, from 27th August to 9th September 2018. So 27 August se 9 September ke beech mein US Open organize kiya gaya tha New York City, United States mein. Aapko batana hai ki isme men's singles mein kaun winner rahe, men's singles title kise mila hai, and your options are A. Novak Djokovic, B. Juan Martin Del Potro, C. Roger Federer, or D. Rafael Nadal. So friends, the correct answer here is A. Novak Djokovic. Novak Djokovic won the men's singles title in US Open 2018, which was organized in New York City, United States of America. And friends, he defeated Juan Martin Del Potro in the finals to win this tournament. And here are all the details of the winners, runner-up, and any other highlights, if that is important. So you can pause this video here and read all these, and let's move on to next question now. Question number 81 is, which state or union territory launched the doorstep delivery of 40 services, which is dial 1076, on 10th September 2018. 10 September 2018 ko kis rajya ya union territory ne ek nayi doorstep delivery service shuru ki hai 40 services ke liye, jiska naam hai dial 1076. Us rajya ya UT ka naam aapko batana hai, and your options are A. Pondicherry, B. Delhi, C. Telangana, or D. Maharashtra. So friends, the correct answer here is B, that is Delhi. Delhi mein ye nayi service shuru ki gayi hai. This has been launched by Delhi Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal. And 40 government services iske through access ki ja sakti hai by dialing 1076. There will be an extra charge of rupees 50, extra fee which will be charged for this service. And services like passport help, caste certificate, domicile, or water connection documents, etc., all these types of services can be called to your doorstep. And there is a specific mobile sahayak which will come and collect information from you, and he will deliver the certificates to your home. So this is the dial 1076 service. This has been launched by Delhi government. Let's move on to next question. Question number 82 is, National Rail and Transportation Institute, that is NRTI, the first of its kind university on the transport sector in India, has started functioning from which city? So National Rail and Transportation Institute, NRTI, अपनी तरह की एक पहली यूनिवर्सिटी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंडिया में. आपको बताना है कि ये कहां पर सेटअप की गई है यूनिवर्सिटी, एंड योर ऑप्शंस आर ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, और डी वडोदरा. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, दैट इज वडोदरा इन गुजरात. वडोदरा गुजरात में ये नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है. इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, एंड देर आर टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, दो बैचलर्स कोर्सेज है जो इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए जाएंगे. दीज आर बीएससी ट्रांसपोर्टेशन technology and BBA in transportation management. So these are two courses which will be provided in this university, and this university will be funded by Ministry of Railways, and there are two international partners of this university. They are University of California and Berkeley and Cornell University. These two are its international partners. And let's move on to next question. Question number 83
3 is, where is the first edition of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, that is BIMSTEC, military exercise? The name of the exercise is Milex 18, held from 10th to 16th September 2018. तो किस जगह पर Milex 2018 ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि एक BIMSTEC की मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहली ये एक्सरसाइज है BIMSTEC की मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको बताना है कि ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी, एंड योर ऑप्शंस आर ए न्यू दिल्ली इंडिया, बी पुणे इंडिया, सी ढाका इन बांग्लादेश, और डी काठमांडू इन नेपाल। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज पुणे इन इंडिया। सो दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ BIMSTEC मिलिट्री एक्सरसाइज Milex 18, एंड दिस वाज कंडक्टेड इन पुणे इन इंडिया। And the main aim of this exercise was to plan and in planning and conducting of counter-terrorist operations. तो counter-terrorist operations को plan करना और successfully conduct करना इस military exercise का main aim था। And friends, you should also know the member countries of BIMSTEC, and you should also know the full form of BIMSTEC. You can note it down. Full form of BIMSTEC is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, and there are 7 member countries in BIMSTEC. They are Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, and Nepal and Bhutan. So these 7 countries are member countries of BIMSTEC, and this was the first edition of its military exercise, and it was conducted in Pune, India. Let's move on to next question. So question number 85 is, who was appointed as the new CEO and MD of Axis Bank on 9th September 2018? तो नए MD और CEO Axis Bank के अभी अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है, एंड योर ऑप्शंस आर ए अमिताभ चौधरी, बी मनीष चौरसिया, सी विनीत कुमार, और डी मदन राज। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज A, that is Amitabh Chaudhary. He has been appointed as the new CEO and MD of Axis Bank. This is a private sector bank in India, and this is a straight fact and important for banking exams only. Let's move on to next question. Question number 86 is, India and which country signed an implementation agreement on Mobilize Your City MYC to reduce their greenhouse gas emissions on 9 September 2018. तो 9 सितंबर 2018 को ग्रीनहाउस गैसेस GHG emissions को कम करने के लिए भारत और किस दूसरे देश ने एक agreement sign किया है Mobilize Your City MYC के नाम से, उस दूसरे देश का आपको नाम बताना है, and your options are A Germany, B United States of America, C France, और डी ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड दिस इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन मोबिलाइज योर सिटी, दैट इज MYC, एंड इट्स एम इज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। एंड फ्रेंड्स, द मेन एम ऑफ दिस agreement is implementing sustainable urban planning. Sustainable urban planning इसका एक aim है, जिसके through greenhouse gases emissions को कम किया जाएगा। ये agreement है India और France के बीच में। Let's move on to next question. Question number 87 is, where was MOVE, India's first ever global mobility summit organized by Niti Aayog, held on 7th and 8th September 2018. तो 7 और 8 सितंबर 2018 में नीति आयोग ने MOVE नाम का भारत का पहला ग्लोबल मोबिलिटी समिट ऑर्गेनाइज किया है। आपको बताना है कि ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, एंड योर ऑप्शंस आर ए पुणे, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली, और डी चेन्नई। सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज न्यू दिल्ली। दिस वॉज ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग इन न्यू दिल्ली। दिस समिट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड ये एक मोबिलिटी समिट है, मीन्स व्हीकल्स से रिलेटेड ये एक समिट है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स या फिर क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें नई इन्वेंट की जा सकती है, ये सब चीज़ें इस समिट में डिस्कस की गई।
सो दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर ग्लोबल मोबिलिटी समिट, जहाँ पर कई इंटरनेशनल कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए. दिस इज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. वाइस चेयरमैन इज मिस्टर डॉक्टर राजीव कुमार. एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग इज मिस्टर अमिताभ कांत. सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज नेम्स. एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 88 इज विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू मरीन सैटेलाइट विद द नेम ऑफ HY1C अबोर्ड अ लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट ऑन 8 सितंबर 2018. तो आपको बताना है कि रिसेंटली किस देश ने एक नई मरीन सैटेलाइट लॉन्च की है. इस सैटेलाइट का नाम है HY1C और लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के थ्रू ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया. आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने सैटेलाइट लॉन्च की है. एंड योर ऑप्शंस आर ए रशिया, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डी चाइना. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज डी, दैट इज चाइना. दिस सैटेलाइट वॉज डेवलप्ड बाय चाइना स्पेस सेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज CSCL. तो चाइना स्पेस सेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम है HY1C. दिस इज अ मरीन सैटेलाइट विच मींस इट्स एम इज टू बेटर मॉनिटर द मैरिटाइम वाटर्स ऑफ चाइना एंड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वाटर्स ऑफ चाइना. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 89 इज हु वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द पैनल टू सेलेक्ट द नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो गवर्नमेंट ने एक नया पैनल बनाया है अगले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को ढूंढने के लिए. आपको बताना है कि इस पैनल का हेड कौन है. एंड योर ऑप्शंस आर ए बिमल जलान, बी राजीव मेनन, सी गौतम चरण और डी पृथ्वी राज. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज A, that is Bimal Jalan. He is a former Reserve Bank of India governor. तो वो Reserve Bank of India के पूर्व governor रह चुके हैं. And he has been appointed as the head of the panel to select the next chief economic advisor in the finance ministry. जो last chief economic advisor थे Mr. Arvind Subramanian, उन्होंने resign कर दिया था और तब से ये जो office है ये vacant है. तो नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को ढूंढा जा रहा है और उसी के लिए ये पैनल बनाया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके हेड हैं मिस्टर बिमल जलान. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 90 इज इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट दैट इज पीसा आफ्टर अ गैप ऑफ 9 ईयर्स. विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स पीसा. तो इंडिया ने प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया है आफ्टर अ गैप ऑफ 9 ईयर्स. आपको बताना है कि ये जो पीसा है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है. एंड योर ऑप्शंस आर ए यूनेस्को, बी OECD, सी UNEP और डी IMF. सो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट. OECD ऑर्गेनाइज करती है पीसा एवरी 3 ईयर्स. हर 3 साल में ये असेसमेंट किया जाता है. एंड दिस असेसमेंट टेस्ट्स द लर्निंग लेवल ऑफ 15-year-old स्टूडेंट्स. 15 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका लर्निंग लेवल चेक करने के लिए ये प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट किया जाता है. लास्ट टाइम 2009 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें इंडिया की रैंक जो है वो बहुत ही ख़राब आई थी. 72 आउट ऑफ 74 कंट्रीज़ इंडिया की रैंक थी. और इंडिया ने उस समय पर ये स्टेटमेंट दिया था कि कुछ पार्शियलिटी हुई है जिसकी वजह से इंडिया ने इस प्रोग्राम से विड्रॉ कर लिया था. बट 2018 में आफ्टर अ गैप ऑफ 9 ईयर्स इंडिया हैज़ अगेन डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन पीसा. एंड दिस इज़ कंडक्टेड बाय OECD. OECD is an international organization with its headquarters in Paris, France.
So friends, this is all for now, and we will continue in part 4 of the September monthly current affairs lecture series. So thank you very much and have a very nice day.